देखिएगा, आज हम डिस्क्राइब कर रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती हैं। उनको सॉल्यूशन करने वाले हम न्यूमेरिकल मेथड से। तो एक्चुअल में हमारा चैप्टर है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सबसे पहले जो मेथड आपको पढ़ना है वो मेथड है पिकार्ड्स मेथड। सबसे पहले इसमें पिकार्ड्स मेथड पढ़ना है। कुछ मेथड्स हैं हमारे कोर्स में, पिकार्ड्स मेथड है, आयलर्स मेथड है, आयलर्स मॉडिफाइड मेथड है, रंगी कुट्टा मेथड है और मिल्ले मेथड है। ये पांच छह मेथड हमारे कोर्स में इस चैप्टर में। इसका लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो श्योरली आता है। अभी देखिएगा पिकार्ड्स मेथड है, इसमें आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, नोटेशन इस तरह से होगी आपकी, डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू होगी उसका सबका रिप्रेजेंटेशन जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई से हम देंगे। फिर इसके साथ आपको एक इनिशियल कंडीशन मिलेगी, इनिशियल कंडीशन इज वाई एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट। अब देखिएगा इनिशियल कंडीशन कैसे लिखी गई है, वाई एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट। वाई के आगे जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी होगी वो एक्स नॉट की होगी और जो इज इक्वल टू में वैल्यू लिखी होगी वो वाई नॉट की होगी। ये एक्स नॉट वाई नॉट स्टार्टिंग वैल्यू है तो इसलिए हम इसे इनिशियल कंडीशन कहते हैं, ठीक है ना। अब हम इसे सॉल्यूशन करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन करने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब ये हो जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स, इंटीग्रेट, इधर इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, इंटीग्रेशन डी वाई फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स, ये इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। यहाँ लिमिट लगा दीजिएगा वाई नॉट से वाई और यहाँ लिमिट लगा दीजिएगा एक्स नॉट से एक्स। तो डी वाई का इंटीग्रेशन तो वाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई माइनस वाई नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स नॉट से एक्स फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स। अब ये यहाँ से हो जाएगा वाई इक्वल टू वाई नॉट प्लस इंटीग्रेशन एक्स नॉट से एक्स फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स। अब ध्यान दीजिएगा इस तरह की जो इंटीग्रल की इक्वेशन होती है इसे हम बोलते हैं इंटीग्रल इक्वेशन। ये हमारी इंटीग्रल इक्वेशन आ गई है। इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अब हम सक्सेसिव का सहारा लेंगे। अब इंटीग्रल नोटेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अब देख लीजिएगा यहाँ पर ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लेने जा रहे हैं। अब देखिएगा इधर y पड़ा हुआ है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लेने के लिए यहाँ y बंद कर दीजिएगा, यहाँ y नॉट एज इट इज रहेगा प्लस इंटीग्रेशन x नॉट से x। अब यहाँ फंक्शन ऑफ x कॉमा y पड़ा हुआ है, सही है, फंक्शन ऑफ x कॉमा y पड़ा हुआ है तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू डाल देंगे। यहाँ पर आप x कॉमा y जो है उसे x को तो आप वेरिएबल की तरह से रखिएगा, इसकी वैल्यू हम बाद में रखेंगे, लेकिन y को रिप्लेस कर दीजिएगा y नॉट dx। अब जो dy वाई अपॉन डी एक्स में फंक्शन ऑफ एक्स वाई पड़ा होगा उसमें x को हम ऐसा कैसे छोड़ देंगे, y नॉट हमारी ये कांस्टेंट वैल्यू होगी वो वहाँ पर रख दी जाएगी और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड अप्रोक्सीमेशन, जब आप सेकंड अप्रोक्सीमेशन लेने जाएंगे तो आप क्या करेंगे, इधर y2 का रिप्रेजेंटेशन दे दीजिएगा, y नॉट एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन की लिमिट x नॉट से x एज इट इज रहेगा और यहाँ फंक्शन ऑफ x कॉमा, अब यहाँ इनिशियल वैल्यू y नॉट पड़ी हुई थी ना, इस y नॉट को हटा करके आप ये डाल दीजिएगा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन y1 dx, ठीक है ना। अब इसी तरह से प्रोसेस जो है वो आपका कंटिन्यू होता चला जाएगा। तो यानी कि नेक्स्ट जो इंटीग्रल इक्वेशन होगी उसे सॉल्व करने के लिए आप पीछे वाली जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली होगी आपने वो वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे आप और उसका इंटीग्रेशन करते चले जाएंगे। तो नॉर्मली इंटीग्रेशन तीन या चार बार हमें करना होता है। होता क्या है, तीन या चार बार इंटीग्रेशन अगर कर देते हैं तो दो वैल्यू आपस में मैच कर जाती हैं और वहीं पर जो हमारा रिजल्ट है वो तैयार हो जाता है। इसी तरह से आप ये भी कह सकते हैं nth अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा वाई नॉट इक्वल टू वाई एन इक्वल टू वाई नॉट प्लस इंटीग्रेशन से एक्स नॉट से एक्स
फंक्शन ऑफ एफ कॉमा बाई एन माइनस वन डी एफ, ये आपका nth अप्रोक्सीमेशन हो गया है ना। और कंटिन्यू द प्रोसेस, कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल टू सक्सेसिव वैल्यूज आर आइडेंटिकल, और इस प्रोसेस को आप तब तक कंटिन्यू करते चले जाइएगा जब तक कि दो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन वाली वैल्यू जो है वो एक जैसी ना हो जाए। और जब दो वैल्यू आपस में मैच कर जाएंगी तो आपका आंसर जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिएगा इसका ये मेथड सिखाया है, इस मेथड पर बेस क्वेश्चन भी अब हम करने जा रहे हैं। आप देखिएगा ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। सॉल्व डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स वाई, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें निकालना है विच पासिस थ्रू 0, 1। अब देखिएगा ये बीएससी सेकेंडरी के सबसे स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस वाले। अब हमसे कह रहा है विच पासिस थ्रू 0, 1, जिसका जब इक्वेशन को आप इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ से कर्व बनेगा। उस कर्व के लिए प्रॉपर्टी दे रखी है कि वो कर्व 0, 1 से पास होता है। ये इनिशियल वैल्यू है, ये ध्यान रखिएगा, जो वैल्यू आपको इस चैप्टर में मिलेगी वो इनिशियल वैल्यू होगी। तो इनिशियल वैल्यू x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है, तो इनिशियल वैल्यू जो है x नॉट और y नॉट से रिप्रेजेंट होती है। तो x नॉट की वैल्यू 0 हो गई है और y नॉट की वैल्यू 1 हो गई है। इंटरवल 0, 0.5, ध्यान रखिएगा ये कोऑर्डिनेट नहीं है, ये इंटरवल है। तो 0 से लेकर के कहाँ तक है, 0.5 तक, यानी कि 0 से स्टार्ट करते हुए 0.5 तक जो भी कर्व में y की वैल्यू है वो आप ज्ञात करते चले जाइएगा। सच दैट y इज करेक्ट टू 3 decimal places, अब डेसिमल के 3 places तक आपको वैल्यू चाहिए तो आप कैलकुलेटर में जाकर के फिक्स कर लीजिएगा, डेसिमल के 3 places तक कैलकुलेटर फिक्स कर लीजिएगा। और टेक h इज इक्वल टू 0.1, और जो h है, जो डिफरेंस है x की वैल्यू का, वो हमें 0.1 दे रखा है। यहाँ पर मैं कुछ बात बता देता हूँ, देखिएगा जब आप इनिशियल वैल्यू देते हैं, इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इनिशियल वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन होता है एक्स नॉट और वाई नॉट से, ठीक है ना। अब उसके बाद जब वैल्यू लेने जाएंगे आप एक्स वन की, तो एक्स वन की वैल्यू एक्स नॉट प्लस एच हो जाएगी, यहाँ वाई की वैल्यू वाई वन कहलाएगी। और जब एक्स टू की वैल्यू लेने जाएंगे तो एक्स नॉट प्लस 2h हो जाएगी, वाई की वैल्यू वाई टू कहलाएगी। एक्स थ्री की वैल्यू एक्स नॉट प्लस 3h हो जाएगी और वाई की वैल्यू वाई थ्री कहलाएगी, एंड सो ऑन। और इसी तरह से जो है हमारा प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। ये प्रोसेस बिल्कुल उसी तरह से है जैसा कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे, ठीक है ना। तो वैल्यू निकालते हुए कहीं ऐसा नहीं करना है कि पीछे ही रुक जाना है, या वैल्यू निकालते हुए आगे चले जाना है, ठीक है ना। तो पहले डिसाइड कर लीजिएगा वैल्यू कहाँ तक आ रही है, फिर उसके बाद में टेबल बना दीजिएगा कि हम वैल्यू जो लेने जा रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लेने जा रहे हैं। ये मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बता दिया गया है। अब यहाँ पर 0, 0.5 इंटरवल में जाना है, इस इंटरवल में। तो 0 पर तो वैल्यू आपको पता ही है, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू जब 0 होगी तो वाई की वैल्यू 1 है। अब इंटरवल देखिएगा 0.1 का है, तो 0 में 0.1 प्लस करते चले जाइएगा। तो इस इंटरवल में फिर 0 के बाद 0.1 आएगा, फिर 0.2 आएगा, फिर 0.3 आएगा, फिर 0.4 आएगा, फिर 0.5 आएगा। तो एक्स की वैल्यू 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 पर आपको वाई की वैल्यू जो है निकालते जाना है। तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0.1 हो जाएगी, 0.2, 0.3, 0.4 और 0.5 हो जाएगी, और उस पर आपको y की वैल्यू डिटरमाइन करते जाने हैं। आइएगा मैंने अब मेरे नोटेशन एक्सप्लेन करी है, अब हम क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिएगा सॉल्यूशन में सबसे पहले ये उठाइएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस xy है, इसका रिप्रेजेंटेशन करिएगा फंक्शन ऑफ x कॉमा y से। dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस xy है, इसका रिप्रेजेंटेशन आप करने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ xy से। तो ये फंक्शन ऑफ xy वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर आइएगा इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन x नॉट की वैल्यू 0 हो जाएगी और y नॉट की वैल्यू 1 हो जाएगी, गिवन h इज इक्वल टू 0.1। यह ध्यान रखिएगा क्वेश्चन जब आप करने को मिलेगा तो उसमें इंटरवल आपको हो भी सकता है मिले, और ये भी हो सकता है कि इंटरवल ना मिले। अगर इंटरवल मिल जाता है तो बात वही ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर आपको इंटरवल नहीं मिलता है तो h की वैल्यू आप अपने आप से कंसीडर करेंगे
तो एच की वैल्यू इस तरह से कंसीडर करनी है, क्वेश्चन ना तो बहुत बड़ा हो जाए और ना ही एकदम छोटा हो जाए। तो एच की वैल्यू ठीक ठीक लेनी है, जितने नंबर का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी लेंथ डिसाइड कर सकते हैं। आप देखिएगा, अब हम सबसे पहले लेने जा रहे हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का हमारा फार्मूला था y1 इक्वल टू y0 प्लस इंटीग्रेशन x0 से x फंक्शन ऑफ x y0 dx। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में y0 हो जाता है, y0 y1 हो जाता है, y0 की वैल्यू आपकी 1 हो जाती है, यहाँ इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाती है 0 टू x। अब यहाँ फंक्शन ऑफ देखिएगा x y0 है, यहाँ आ जाइएगा, अब यहाँ कर दीजिएगा 1 प्लस x y0 और dx, तो ये y1 हो जाता है 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x 1 प्लस। अब y0 की वैल्यू देख लीजिएगा 1 है, तो यहाँ पर हो जाता है 1 प्लस x dx। तो यहाँ पर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ जाता है 1 प्लस, इसका इंटीग्रेशन करके x आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करके x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। इसे समान करके रखिए, ये आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो है वो आ चुका है। अब देखिएगा, अब लेने जाते हैं सेकंड अप्रोक्सीमेशन। अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन लेने जा रहे हैं, सेकंड अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला लिखिएगा y2 इज इक्वल टू y0 प्लस इंटीग्रेशन x0 से x हो जाएगा। अब फंक्शन में x कॉमन y को रिप्लेस कर देंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन से, ये dx हो जाएगा। अब इसमें फिर वैल्यू पुट कर देते हैं, ये ध्यान रखिएगा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे आसान चैप्टर में इसे मान करके चलता हूँ। ये 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू 1 हो जाएगी, फंक्शन में जाकर के वैल्यू रख दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई वन और डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 हो जाता है। और यहाँ देखिएगा 1 प्लस क्या है, एक्स वाई वन है, तो यानी कि वाई वन जो आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है उसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स से, तो आपका 1 तो ऐसा का ऐसे ही रहता है। आप देखिएगा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू देख लीजिएगा, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू है और इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप x से, यहाँ x से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये x हो जाता है प्लस का x स्क्वायर हो जाता है प्लस का x क्यूब अपॉन 2 और dx हो जाता है। तो यहाँ देखिएगा y2 सेकंड अप्रोक्सीमेशन 1 प्लस x हो जाएगा, ये x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यहाँ x क्यूब बाई 3 हो जाएगा और प्लस x टू की पावर 4 अपॉन 8 हो जाएगा। आप देखिएगा सेकंड अप्रोक्सीमेशन आपका आ चुका है, इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते चले जाइएगा, लगभग 3-4 तक अप्रोक्सीमेशन आप मान करके चलिएगा, 6-4 अप्रोक्सीमेशन जो है अब हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब वाई थ्री आप ये ले लेते हैं थर्ड अप्रोक्सीमेशन, जब थर्ड अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो आप वाई थ्री कर दीजिएगा, जब एक दो अप्रोक्सीमेशन हो जाए तो फार्मूला लिखना छोड़ दीजिएगा, फिर तो ये बोरिंग सा लगने लगता है। अब यहाँ वाई नॉट की वैल्यू में 1 हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन या 0 टू 1 हो जाएगा और यहाँ 1 प्लस x और यहाँ सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में हो जाएगा x के साथ y2 और dx हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक तो लाइन जरा फार्मूला लिखने की छोड़ते चलिएगा क्योंकि बहुत लेंथी हो जाता है फिर। अब होता क्या है, बस जब पहला अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं तो y0 रखना है, सेकेंड को अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं तो y1 रखना होता है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, थर्ड निकालने जा रहे हैं तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन रखना होता है, तो करना सिर्फ एक ही है कि जो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने जा रहे होंगे उसमें प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन जो है आप रख सकते हैं। अब ये हो जाता है, अब ये देखिएगा 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू 1 हो जाता है 1 प्लस, अब देखिएगा सेकंड अप्रोक्सीमेशन में मल्टीप्लाई हो रही है एक्स की, अब यहाँ एक्स की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 2 प्लस एक्स टू की पावर 4 अपॉन 8 dx। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दीजिएगा y3, ये थर्ड अप्रोक्सीमेशन हो जाता है 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x क्यूब अपॉन 3 प्लस x टू दी पावर 4 अपॉन 8 प्लस x टू दी पावर 6 अपॉन 48। अब देखिएगा ये थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक आपकी वैल्यू निकल चुकी है यहाँ तक। अब देखिएगा फोर्थ अप्रोक्सीमेशन लेने चलते हैं, ये होता है फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में आपका वाई फोर हो जाएगा, अब यहीं से आ जाइएगा 1 प्लस कर देंगे इंटीग्रेशन 0 से 1 कर देंगे और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस थर्ड अप्रोक्सीमेशन वाई थ्री डाल देंगे और ये वैल्यू डी एक्स हो जाएगी। अब यहाँ देखिएगा 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 हो जाता है और यहाँ 1 प्लस, अब एक्स के साथ देखिएगा वाई थ्री है ना, थर्ड अप्रोक्सीमेशन है, इसमें एक्स की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये हो जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स क्यूब अपॉन टू प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन थ्री प्लस एक्स की पावर फाइव अपॉन एट प्लस एक्स की पावर सेवन अपॉन फोर्टी एट और डी एक्स। अब यहाँ पर देखिएगा एक इंटीग्रेशन और कर दीजिएगा, फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू आने जा रही है। अब इतना हिस्सा मैं हटा देता हूँ, फाइव फोर। अब देखिएगा यहाँ पर वन आएगा, प्लस का एक्स आएगा, प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा, प्लस यहाँ एक्स क्यूब अपॉन थ्री हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन थ्री हो जाएगा, प्लस एक्स टू दी पावर फोर अपॉन एट हो जाता है, यहाँ एक्स टू दी पावर फाइव अपॉन फिफ्टीन हो जाएगा, प्लस यहाँ एक्स टू दी पावर सिक्स अपॉन फोर्टी एट हो जाएगा, एक्स टू दी पावर सिक्स अपॉन फोर्टी एट हो जाएगा, प्लस यहाँ एक्स टू दी पावर एट और अपॉन आठ से मल्टीप्लाई हो जाएगी, आठ अट्ठे चौंसठ और आठ छः बत्तीस और छः अड़तीस, 384 हो जाता है। ये वैल्यू आपकी फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन की आ चुकी है। स्टार्टिंग वाली वैल्यू तो आपको पता ही है, एक्स नॉट की वैल्यू आप देख ही रहे हैं, है ना, ये फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन तक आ चुका है। अब देखिएगा, अब आपको मैं ये बता दूं कि आपका जो आंसर होता है वो कहाँ होता है। अब देखिएगा आपका आंसर क्या कहाँ होता है। देखिएगा जो हमारी सक्सेसिव वाली मेथड है, ये हम तब तक अप्लाई करते रहते हैं जब तक कि दो वैल्यू हमारे पास सेम ना आ जाए। चार अप्रॉक्सीमेशन यहाँ निकाले जा चुके हैं, चार अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू आपके सामने पड़ी हुई है। जरा इन अप्रॉक्सीमेशन पर एक बार निगाह डालिएगा। यहाँ देखिएगा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू है। अब यहाँ देखिएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू है, तो देखिएगा ये अप्रॉक्सीमेशन यहाँ तक रिपीट हो गया है और प्लस दो नई टर्म और जुड़ गई हैं, ठीक है ना। अब यहाँ के बाद यहाँ देखिएगा, ये देखिएगा एक्स की पावर फोर अपॉन एट, देखिएगा पांच टर्म ऐसी की ऐसे ही हैं और एक टर्म छठी और बढ़ गई है, तो पुरानी वाली टर्म नहीं बदली ना, तो नई वाली टर्म बढ़ती चली जा रही है, और जैसे जैसे नई वाली टर्म बढ़ती चली जाएंगी तो एक्स की पावर बढ़ती चली जाएंगी, तो एक्स की पावर जब बढ़ती चली जाएंगी तो डिनोमिनेटर का नंबर भी बढ़ता चला जाएगा। उसके आगे और देखिएगा, यहाँ देखिएगा यहाँ एक्स टू दी पावर सिक्स अपॉन फोर्टी एट तक की जो टर्म है वो सेम है और एक नई टर्म एक्स टू दी पावर एट अपॉन थ्री एट्टी फोर आ जाती है। अब यहाँ पर आपने इन अप्रॉक्सीमेशन को ऑब्जर्व करके ये देखा कि जब हम नया अप्रॉक्सीमेशन निकालने जाते हैं तो उस अप्रॉक्सीमेशन में जो वैल्यू होती है वो पीछे वाली अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू से काफ़ी हद तक मेल खाती है और एक टर्म इसमें आगे और बढ़ जाती है। अब देखिएगा x की पावर जिस तरह से लगातार बढ़ती चली जा रही है, अगर x की वैल्यू डेसिमल में होगी तो देखिएगा दस पावर अगर सिक्स करेंगे तो डेसिमल के बाद पांच प्लेस तो उसके ही हो जाएंगे, और उसके बाद एक बड़े नंबर से डिसाइड कर रहे हैं और कैलकुलेटर में आप डेसिमल अगर मान लीजिएगा चार प्लेस पर फिक्स कर चुके हैं तो क्या होता है, कैलकुलेटर उस वैल्यू को छोड़ देता है, क्योंकि जब ने डेसिमल तो फिक्स कर दिया है आपने तो वो आगे की बहुत छोटी वैल्यू को छोड़ता हुआ चलेगा, और होता क्या है आपकी दो वैल्यू जो है आपस में मेल कर जाती हैं। अब यहाँ देख लीजिएगा इस तरह से, ये अब x नॉट तो आ चुका है, x1 की वैल्यू x नॉट प्लस h है, x नॉट जीरो हो गया प्लस पॉइंट वन हो गया, तो ये वैल्यू होगी 0.1। अब 0.1 यहाँ रख दीजिएगा कैलकुलेटर में, ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन हो जाता है y1 इक्वल टू वन प्लस पॉइंट वन प्लस पॉइंट जीरो वन अपॉन टू, ये हो जाता है 1.1, तो यही हो जाएगा प्लस पॉइंट जीरो जीरो फाइव हो जाता है, तो आपकी वैल्यू आ जाती है 1.1005 आ जाती है, ये वैल्यू है। आप देखिएगा सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में y2 इक्वल टू वन हो जाएगा प्लस पॉइंट वन हो जाएगा, पॉइंट जीरो वन अपॉन टू हो जाएगा, पॉइंट जीरो जीरो वन अपॉन थ्री हो जाएगा, पॉइंट जीरो 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 वन और अपॉन एट हो जाएगा। अब आप इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, अब आप इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये वैल्यू जो आ रही है इनकी, ये अप्रॉक्सीमेशन में आ रही है आपकी 1.105 आ रही थी, 1.105 आ रही थी। अब जब सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन हम निकालने जाते हैं तो ये आ जाती है 1.1। यहाँ देखिएगा वैल्यू थोड़ी सी मिस्टेक हो गई शायद, 0.1 का होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, ये वैल्यू देखिएगा यहाँ गलत हो गई है, ये प्लस गलत हो गया है, यहाँ पर 1.105 आएगा। अब ये जो वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं तो 1.105 आ जाता है, ठीक है ना। अब देखिएगा सेकंड अप्रॉक्सीमेशन में ये आपका काम हो चुका है, यहाँ पर
सेकंड अप्रॉक्सीमेशन में आपका काम हो चुका है। ठीक, सेकंड अप्रॉक्सीमेशन आपको क्वेश्चन वहीं तक छोड़ देना है जहां तक दो अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू जो है आपस में मैच हो जाएगी। ये देख लीजिएगा, हमसे जो कहा गया था वो डेसिमल के तीन प्लेस तक हमसे कहा गया था। यहाँ पर डेसिमल के तीन प्लेस में देखिएगा, यहाँ 0.101 है और यहाँ भी क्या है 0.1053 आएगा। तो डेसिमल के तीन प्लेस पर आपको वैल्यू मिल जाती है 1.105। यानी कि आप क्वेश्चन को अब आगे मत ले करते जाइएगा, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन में फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन में वैल्यू मत रखिएगा, क्योंकि वैल्यू लौट करके फिर वही आपस आपको मिल जाएगी। तो यानी कि आपका आंसर आ चुका है, एक्स वन पर यह आंसर आया है। तो ये हो जाता है एट एक्स वन इजिकल टू 0.1, वाई वन ये वैल्यू वाई वन कहलाएगी 1.105। ठीक है, ये आपका पहला आंसर आ चुका है। फिर आप चलिए आगे चलिएगा, एक्स टू इजिकल टू लीजिएगा एक्स नॉट प्लस 2h, तो ये हो जाता है 0 प्लस 0.2, तो ये हो जाता है 0.2। अब इसी प्रोसीजर को आप दोबारा रिपीट कर दीजिएगा, एक्स टू की वैल्यू 0.2 आ चुकी है, यहाँ से जो वाई की वैल्यू निकल कर के आएगी वो वाई टू कहलाएगी। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में रखिएगा, सेकंड अप्रॉक्सीमेशन में रखिएगा, थर्ड में रखिएगा, फोर्थ में रखिएगा, और जब दो वैल्यू डेसिमल के तीन प्लेस तक आपको मिल जाती है तो वहीं पर क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा, वो आपकी वाई टू की वैल्यू हो जाती है। ठीक है ना, फिर उसके बाद एक्स नॉट प्लस 2h आ जाएगा, फिर एक्स नॉट प्लस 3h हो जाएगा, फिर एक्स नॉट प्लस 4h हो जाएगा, फिर एक्स नॉट प्लस 5h हो जाएगा। तो एक्स नॉट प्लस 5h जब आप करेंगे तो वो 0.5 हो जाएगा। और आपसे जो वैल्यू पूछी गई थी वो यही पूछी गई थी कि आप उसी इंटरवल में जाइएगा जो 0 से 0.5 तक है। जब आप सबकी वैल्यू आ जाएंगी, तो जब सबकी वैल्यू आ जाएगी तो जब आप प्रोसेस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे, सबसे वैल्यू आ जाएंगी, तो आप लास्ट में एक टेबल बना दीजिएगा, एक्स वाई या एक्स नॉट 0 हो जाएगा, एक्स वन की वैल्यू 0.1 हो जाएगी, एक्स टू की वैल्यू 0.2 हो जाएगी, एक्स थ्री की वैल्यू 0.3 हो जाएगी, एक्स फोर की वैल्यू 0.4 हो जाएगी, और एक्स फाइव की वैल्यू 0.5 हो जाएगी। अब देखिएगा, यहाँ वाई नॉट की वैल्यू तो 1 गिवन थी और वाई वन की वैल्यू आ गई है तुम्हारी 1.105। ऐसे यहाँ वाई टू रख दीजिएगा, वाई थ्री रख दीजिएगा, वाई फोर रख दीजिएगा और वाई फाइव रख दीजिएगा। इन वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिएगा, फिल कर दीजिएगा और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि देखिएगा, 0 से लेकर के 0.5 तक के इंटरवल में जबकि एच की वैल्यू 0.1 ली जाती है, तो जितनी भी वैल्यू है आप सारी ज्ञात कर चुके हैं। और इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। देखिएगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, अप्रॉक्सीमेशन पहले निकालिएगा और आराम के साथ एक्स की वैल्यू रखिएगा और तब तक क्वेश्चन करते रहिएगा जब तक कि दो अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू आपस में मैच ना कर जाए। उस स्थिति में आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाता है। आइए इसके बाद डिस्क्राइब करते हैं कि सिमल्टेनियस अगर इक्वेशन आ जाए तो किस तरह से हमें क्वेश्चन को करना होता है। आप देखिएगा, मैं मेथड डिस्क्राइब कर देता हूँ फॉर सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। अब क्या होगा, अभी जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिली थी उसमें एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन मिली थी और एक ही इनिशियल कंडीशन मिली थी। अब यहाँ पर सिमल्टेनियस है तो दो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर मिल सकती हैं, लेकिन प्रोसेस करने में कोई चेंज नहीं होगा। उसी तरह से आपका अप्रॉक्सीमेशन निकलेगा, करने का तरीका वही होगा, लेकिन क्वेश्चन की लेंथ जो है वो डबल हो जाएगी। क्योंकि जब सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपको दो सॉल्यूशन भी निकालने पड़ेंगे, तो इस सॉल्यूशन की जो लेंथ है वो पीछे वाले सॉल्यूशन से जो है वो डबल हो जाएगी। आप देखिएगा, ये समझ लीजिएगा, सपोज कर लीजिएगा एक आपके पास dy/dx है, इसे रिप्रेजेंटेशन दे दिया फंक्शन ऑफ x, y, z से, और दूसरा मान लीजिएगा dz/dx है, इसका रिप्रेजेंटेशन देते हैं gx, y, z से। अब यहाँ पर सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो मान लीजिएगा आपको सॉल्यूशन करने के लिए dy/dx और dz/dx आपको मिल रहा है। अब आपके पास वेरिएबल इकट्ठे हो चुके हैं x, y, z। यहाँ y और z जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और x जो है वो इनडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब दो तरह की आपको बाउंड्री कंडीशंस भी मिलेंगी, सॉरी बाउंड्री कंडीशंस गलत बोल गया हूँ मैं, इनिशियल कंडीशंस। तो ये हो जाता है इनिशियल कंडीशंस r, एक इक्वेशन एक इनिशियल इसके लिए मिलेगी आपको, वाई एक्स नॉट इजिकल टू वाई नॉट से रिप्रेजेंटेशन होगा, एक इनिशियल कंडीशन यहाँ से मिलेगी, इसका रिप्रेजेंटेशन होगा जेड एक्स नॉट इजिकल टू जेड नॉट से, इनका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। करने का तरीका वही है, अब दो दो अप्रॉक्सीमेशन एक साथ चलेंगे, एक अप्रॉक्सीमेशन चलेगा वाई के लिए और एक अप्रॉक्सीमेशन चलेगा जेड के लिए। आप देखिएगा, यहाँ से फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ए, जब आप इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन से फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन लेने जाते हैं तो वाई वन हो जाएगा, वाई नॉट हो जाएगा
इंटीग्रेशन x नॉट से x हो जाएगा फंक्शन में, x को ऐसे ही छोड़ देंगे और यहाँ लिखेंगे y नॉट, z नॉट और dx। दूसरा अप्रोक्सीमेशन आपको इधर से मिलेगा, z1 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा z नॉट प्लस इंटीग्रेशन x नॉट से x फंक्शन ऑफ x, सॉरी फंक्शन f की जगह g है, g x नॉट y नॉट कॉमा z नॉट dx। अभी आपका जो है ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो चुका है, उसके बाद फिर वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे आप। जब आप नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने जाएंगे तो x नॉट और y, जो x नॉट तो है नहीं, x ही चल रहा है वहाँ पर, x नॉट तो इंटीग्रेशन की लिमिट में है, y नॉट और z नॉट को हटा करके आप जो ये वैल्यू आई होगी वो ऐसी की ऐसी जो है इसमें वापस पुट कर देंगे, ये हो जाएगा सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। अब हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हैं, तो देखिएगा यहाँ पर y2 हो जाता है, y नॉट एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन x नॉट से x रहेगा फंक्शन ऑफ। अब यहाँ देखिएगा x क्या पड़ा हुआ है, y नॉट z नॉट पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कर दीजिएगा x y1 z1 और dx। ऐसे ही जब z का रिप्रेजेंटेशन लेने जाएंगे सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, तो z2 इक्वल टू हो जाएगा z नॉट प्लस इंटीग्रेशन x नॉट से x g x कॉमा y1 कॉमा z1 dx। और इसी तरह से जो है वो प्रोसेस को आप कंटिन्यू करते चले जाएंगे। एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन और सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों का सॉल्यूशन करने का तरीका एक ही है। पहला अप्रोक्सीमेशन निकालेगा, दूसरा निकालेगा, तीसरा निकालेगा, चौथा निकालेगा, चार अप्रोक्सीमेशन तक वैल्यू निकाल लीजिएगा। इन वाले क्वेश्चन में चार अप्रोक्सीमेशन पर वैल्यू जो है 100% मैच कर जाती है, तो इसीलिए कहा जाता है कि पहले चार अप्रोक्सीमेशन निकाल करके आप वैल्यू तैयार कर लीजिएगा। इसी तरह से प्रोसेस को आप कंटिन्यू करते चले जाएंगे। अब देखिएगा इस वाले चैप्टर में आप एक खास बात देखेंगे, अब जो मैं चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ ये मैं मानता हूँ कि इस बुक का सबसे आसान चैप्टर है, इससे आसान चैप्टर में किसी को नहीं मानता। एक बार आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का फार्मूला याद होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि आप अप्रोक्सीमेशन किस तरह से लिखते हैं, फिर उसी प्रोसेस को आप बार बार कंटिन्यू करते चले जाते हैं और जहाँ भी दो वैल्यू मैच हो जाती हैं आप आंसर छोड़ देते हैं, वहीं आपका आंसर आ जाता है। अब इसके बेस पर आप एग्जाम्पल और क्वेश्चन जो है वो आसानी से हैंडल कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, किसी किसी क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है कि उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो है वो क्या है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है उस एग्जैक्ट सॉल्यूशन को निकालने के लिए आप बीएससी फाइनल से हट करके बीएससी सेकंड ईयर या ट्वेल्थ वाली क्लास में जाएंगे। ट्वेल्थ वाली क्लास का जो मेथड होगा सीएफ और पीआई वाला हो सकता है, सॉरी सीएफ पीआई वाला नॉर्मली नहीं होता है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है। हाँ, जो हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका जो सीएफ और पीआई वो सॉरी मेथड है वो हमारा अप्लाई हो सकता है, ठीक है ना। अब दिखा देता हूँ मैं एक क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में आता है उसका मैं एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ। सपोज़ कर लीजिएगा आपके पास इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस वाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे ज़्यादा मिलती है, कंडीशन है वाई नॉट इजिकल टू वन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन है, बीएससी पार्ट वन की बच्चों वाला सवाल है, चाहे ट्वेल्थ का कह लो या बीएससी सेकंड ईयर का कह लो, आप किसी भी क्लास का कह लो, तो छोटा सा सवाल है। अब ये इस इक्वेशन हमारी हो जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इजिकल टू एक्स। अब हम यहाँ पर बीएससी सेकंड ईयर ट्वेल्थ में चले जाते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू, याद आ गया ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब यहाँ पर पी की वैल्यू माइनस का वन हो जाती है, क्यू की वैल्यू एक्स हो जाती है, तो यहाँ पर आप लिख लेते हैं आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो ये हो जाता है ई टू दी पावर माइनस एक्स। फिर आप लिखते हैं सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन का फार्मूला था आपका वाई इक्वल टू आई एफ इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी एक्स और प्लस सी। अब यहाँ वाई ई टू दी पावर माइनस एक्स हो जाता है और इजिकल टू क्यू, और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इंटीग्रेशन एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी हो जाता है। यहाँ पर आप फर्स्ट सेकेंड लगा दीजिएगा तो एक्स एजिटिव हो जाएगा, सेकेंड के इंटीग्रेशन में ई टू दी पावर माइनस एक्स आएगा, फिर फार्मूले का माइनस आ जाएगा। अब ई टू दी पावर माइनस एक्स का जब दो बार इंटीग्रेशन हो तो वैल्यू प्लस हो जाएगी, एक माइनस पहले से लग रहा है ई टू दी पावर माइनस एक्स और प्लस सी। अब ये वैल्यू आपकी तैयार हो जाती है, अब यहाँ से हो जाता है वाई ई टू दी पावर माइनस एक्स, माइनस कॉमन ले लेते हैं एक्स प्लस वन ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये हो जाता है और यहाँ से वैल्यू बन जाती है वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन प्लस सी ई टू दी पावर प्लस एक्स।
ये इक्वेशन नंबर वन बन जाती है, ये आपकी वैल्यू बन चुकी है। अब यहाँ पर सी आर्बिटरी कांस्टेंट पड़ा हुआ है ना, अब इसकी वैल्यू यहाँ से निकालिएगा। अब ये ध्यान रखिएगा, जो मैंने इनिशियल कंडीशन लिख करके दी थी वो इस तरह से लिख करके दी थी, वाई एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट लिख करके दी थी। एक्स नॉट यानी कि एक्स की वैल्यू जीरो है। अब एट एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू वन आप ये यूज़ कर लीजिएगा, तो ये वन हो जाता है, माइनस का वन हो जाता है, सॉरी ये जीरो हो जाता है, माइनस का वन हो जाता है, प्लस सी ई की पावर जीरो की वैल्यू वन हो जाती है, तो सी इक्वल टू टू हो जाता है। तो आपका आंसर बन जाता है वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन प्लस टू ई टू दी पावर एक्स। अब ये आपका 12th क्लास कह लीजिएगा, बीएससी पार्ट वन कह लीजिएगा, दोनों में से कोई सी भी क्लास आप कह लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका फार्मूला तैयार हो चुका है। तो ये ध्यान रखिएगा, बीएससी फाइनल में जितनी भी वैल्यू आप निकालते हैं वो सारी की सारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती हैं। एक्चुअल वैल्यू अगर निकालनी है तो आपको बीएससी पार्ट वन या बीएससी सेकेंड ईयर में जाना पड़ेगा, वो जो मेथड है वो एक्चुअल वैल्यू देते हैं, और यहाँ आप न्यूमेरिकल मेथड से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर ये कहा जाता है कि एग्जैक्ट वैल्यूज आप कंपेयर कीजिएगा, तो इसका मतलब वो कह रहा है कि आप पीछे वाली क्लास में जाकर के उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकाल दीजिएगा, और जो अपनी वैल्यू है और जो इस वाले फार्मूले से वैल्यू निकल करके आएगी उन दोनों के आपस में कंपेयर कर दीजिएगा। तो आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ एरर जो है आपके आंसर में हमेशा मौजूद रहती है। आप पिकार्स मेथड के आप सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं।